बहुत ही बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, गणेश महोत्सव और चेहलों को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई है और इन चीजों पर रहेगी पाबंदी। तो पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देख ले, इसमें आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि सभी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। तो चलिए अब आपको देते हैं पूरी जानकारी। गृह विभाग की ओर से गणेश महोत्सव और मुहर्रम के बाद होने वाले चेहलों के मद्देनजर नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। जारी गाइडलाइंस के अनुसार पंडाल उन्हीं स्थानों पर लगाने की अनुमति होगी जहां आसपास पर्याप्त जगह मौजूद होगी। छोटे और संकरे स्थानों पर पंडाल लगाने की अनुमति नहीं होगी। पंडाल का आकार भी 30x45 फीट होगा। गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार गणेश मूर्ति और चेहलों के दौरान अधिकतम 10 लोग की ही अनुमति रहेगी। त्योहारों के मद्देनजर नाइट कर्फ्यू के साथ साथ कोरोना नियमों का पालन प्रभावी रूप से करना होगा। इस दौरान धार्मिक या सामाजिक जुलूस या चल रहे समारोह निकालने की भी अनुमति नहीं होगी। बता दें कि इस संबंध में गृह विभाग की ओर से प्रदेश के सभी कलेक्टरों और गाइडलाइंस का प्रभावी रूप से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। हालांकि इस दौरान पहले से जारी किसी भी दिशा निर्देश में रद्दोबदल नहीं किया गया, यानी वो यथावत जारी रहेंगे। चलिए जान लेते हैं कौन कौन से नियमों का पालन करना होगा। आयोजकों को सोशल डिस्टेंसिंग का स्वयं ही पालन करना होगा। इसके मद्देनजर वो खुद होंगे, झांकी स्थल पर निर्धारित 10 लोग से अधिक भीड़ नहीं होगी। गणेश मूर्तियां और चेहलों के लिए पंडाल का आकार 30x45 फीट रहेगा। ऐसी जगह झांकियां नहीं लगाई जाएंगी जहाँ की सड़कें या जगह संकरी हो। मूर्ति एवं ताजियों का विसर्जन वहीं होगा जो जगह जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित की जाएगी। मूर्ति और ताजियों का विसर्जन संबंध आयोजन समिति करेगी, इसमें अधिकतम 10 लोग ही शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जा सकेगा। चल रहे समारोह नहीं निकाले जाएंगे, विसर्जन के लिए भी जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा। झांकियों, पंडालों और विसर्जन स्थल पर श्रद्धालुओं और आयोजकों को फेस कवर पहनकर आना होगा। तो दोस्तों ये वो नियम थे जिसको आपको मानना ही होगा। सरकार ने इन नियमों को लागू किया है। तो दोस्तों गणेश महोत्सव और चेहलों को लेकर सरकार ने ये गाइडलाइंस जारी की गई है और ये वो नियम बनाए गए हैं। तो दोस्तों आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आपको समय समय पर सारी जानकारी मिलती रहेगी। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सतर्क रहें। टेक केयर एंड गुड बाय।